हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ फाइव फास्ट ए प्लस जो होता है बहुत बेहतरीन काम करता है। इसको मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। ये जो है कि SBL कंपनी का आता है, ये देखिए फाइव फास्ट ए प्लस। और दूसरा है पेंटा फास्ट लिक्विड फाइव फास्ट टॉनिक होता है। ये बायक्सन्स कंपनी बनाई है, जो कि इस भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दोनों को आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिस्पांस देगा। साथियों, फाइव फास्ट जो होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये सिरप बेस में आया है और ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो इसको किस में लिया जाए, सबसे पहली तो बात यही आती है। तो ये जो है कि ऑल एज के लोग ले सकते हैं, सबसे अच्छा तो यही है, सभी एज के लोग ले सकते हैं। छोटे बच्चे हों तो भी लें, बड़े लोग हों तो भी ले सकते हैं। बिल्डअप हेल्दी बोन्स, आपके जो है बोन्स है उसको हेल्दी बनाने का ये काम करती है। करेक्ट डेबिलिटी, आपकी जो सुस्ती है उसको भी ये अच्छा करती है। और इम्प्रूव इम्पेयर मेमोरी, आपकी जो इम्पेयर्ड मेमोरी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है। और टोन्स ऑफ द नर्व एंड सर्कुलेशन, आपके सर्कुलेशन को बेहतर करती है और उसके साथ साथ नर्व में टोनिसिटी देती है, जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं। इस पे जो इंडिकेशन पड़ा हुआ है, यूजफुल वास्टिंग डिजीज, एग्जॉस्टेड फीलिंग, जनरल वीकनेस, लैक ऑफ वाइटलिटी, ऐसा लैक ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक फास्फेट। अगर आपके शरीर में इनऑर्गेनिक फास्फेट की कमी हो गई है और आपको स्ट्रेस रहता हो, तनाव रहता हो, तो आप इसको लेंगे। अगर आपके मन में उदासी है या फिर बेचैनी है, इरिटेबिलिटी है, इंसोमिनिया है, यानी नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको लेंगे, बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके डोजेज की बात करें तो जो इसका डोज है 10 ml सुबह में और 10 ml शाम को, और दो टाइम लें तो बेहतर रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप तीन टाइम भी ले सकते हैं, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml शाम को, तीनों टाइम लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपको देगा। अगर आपको थोड़ा आराम हो जाए तो आप 10 ml सुबह में और 10 ml शाम को दो टाइम लिया करें। अगर इसके कम्पोजिशन की बात करें तो जो इसमें कम्पोजिशन डला हुआ है वो विथानिया सामनिफेरा है, यानी कि फाइव फास ए प्लस में विथानिया सामनिफेरा है, कैल्केरिया फास्फोरिका है, फेरम फास है, काली फास है, मैग्नीशियम फास है, नेट्रम फास है। इतनी मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं जो कि इसको बहुत ही बेहतरीन बना देती हैं। उसके साथ साथ जो पेंटा फास है, पेंटा फास में साथियों कैल्केरिया फास मिला हुआ है, मैग्नीशिया फास मिला हुआ है, नेट्रम फास मिला हुआ है, फेरम फास मिला हुआ है और काली फास मिला हुआ है। यानी फाइव फास मिला के कुल फाइव फास के नाम से ही आप जान लीजिए कि फाइव चीजें, यानी पांच फास करके इसमें मिला हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन इस सिरप को बनाता है। और आपको ऐसी दिक्कत अगर है, आपको इरिटेबिलिटी है, बेचैनी है, घबराहट है, नींद नहीं सही है, याद रही है, सर में अगर हल्का दर्द है, तो भी ये बहुत बेहतरीन रिस्पांस देगा और आप अच्छे से एनर्जेटिक जो होता है ना, एक तरह से एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लगेगा कि आपके शरीर में एनर्जी है और आपको काम करने की इच्छा जगेगी और आप काम भी कर पाएंगे। अगर आपको वीकनेस है तो आप जरूर लीजिएगा, चाहे महिला हो, चाहे मेल्स हो, या फिर कहें तो बच्चे अगर हों तो किसी को भी दिया जा सकता है। यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि बड़े लोग लेना है या छोटे लोग नहीं लेना है, तो इसको कोई भी ले सकता है। लेकिन ml में फर्क है, अगर बच्चे हैं तो उम्र के हिसाब से दिया जाता है। अगर मीडियम, जैसे कि अगर बच्चे का वजन 20 kg के आसपास है तो आप 5 ml दें, अगर 10 kg के आसपास का बच्चा है तो 2 ml या 2.5 ml दें, जो कि बहुत बच्चा को बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। और इसको बच्चे को भी कहें तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उसको दांत को आसानी से निकालने के लिए बहुत बेहतर काम करता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।